प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी बोला था ना, थर्ड प्रॉपर्टी वो तो अलग प्रॉपर्टीज है ना, ये अब नई प्रॉपर्टीज आई हैं, है ना। हाँ, एक प्रॉपर्टी वन होता है डमी वेरिएबल। वैसे ये दो तीन प्रॉपर्टी स्टार्टिंग की तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, स्टार्टिंग की बता चुका हूँ। जैसे लिमिट है आपका ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका जो वैल्यू है सेम है ए से बी एफ टी डी टी, ठीक है, दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम वैल्यू है, दोनों रियल नंबर्स हैं बेसिकली, टी एफ एक्स इसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये टी जो है वो क्या है, डमी वेरिएबल है, लिख लो, लिख चुके हो पहले मेरे ख्याल से, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये भी मैं आपको फील तो कर ही चुका हूँ कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ए से लेकर के भी ये आएगा नेगेटिव ऑफ बी से एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ए से बी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, नेगेटिव ऑफ बी से, क्यों, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, कैपिटल एफ ए माइनस कैपिटल एफ बी, ये एक दूसरे के नेगेटिव है ना, सिंपल है। तो प्रॉपर्टी थ्री भी मैं आपको बता चुका हूं, वैसे ए से बी एफ डी एक्स ये बराबर है ए से लेकर के सी एफ डी एक्स प्लस सी से लेकर के डी एफ डी एक्स प्लस डी से लेकर के बी एफ डी एक्स, है ना, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो आप ध्यान से देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या है, कैपिटल एफ सी माइनस कैपिटल एफ ए, कैपिटल एफ डी माइनस कैपिटल एफ सी, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ डी, तो एफ सी एफ सी कट रहे हैं, एफ डी एफ डी कट रहे हैं ना, ये कैंसिल आउट अफेक्ट हो रहा है ना, जैसे ऑल्टरनेट कैंसिलेशन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये कैंसिल आउट, तो नीचे ए और ऊपर बी, है ना, तो क्या आएगा, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो आप ब्रेक कर सकते हैं, वाई डू वी ब्रेक, है ना, हम ब्रेक क्यों करते हैं, बिकॉज फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा होता है ना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर वन से फाइव दे रखा है तो मैं ये चाहूँगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वन से टू डिफाइन करूँ, टू से थ्री एंड सो ऑन, सेम गोज फॉर फ्रैक्शनल पार्ट या सिग्नम या कोई भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन, लिख लो यहाँ पर, क्यों ब्रेक करते हैं, डिसकंटिन्यूटी की वजह से, फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी की वजह से ज़्यादातर केसेस में ब्रेक किया जाता है। डिसकंटिन्यूटी तो कंटिन्यू तो पढ़ रखा है पूरे चैप्टर अपन ने, अपन तो महारत ही है उसके, है ना, तुरंत देख लेते हैं कि यार ये तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा, है ना, तो अपन फटाक से बता देंगे कि यहाँ पर देखो सी पर और डी पर डिसकंटिन्यूस है ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, बच्चों को लगता है कि जो सी पॉइंट है वो ए और बी के दरमियान होना चाहिए, जो कि ज़रूरी नहीं है, अगर आपका पॉइंट सी जो है वो इंटरवल ए और बी के बाहर भी है तो भी चलेगा, क्योंकि द एंटायर आइडिया इज कि राइट साइड है क्या, एफ सी एफ ए, एफ डी एफ सी, एफ बी एफ डी, तो कैंसिल आउट तो हमेशा ही हो जाएंगे ना, चाहे सी पॉइंट इंटरवल ए से बी के बीच में हो या ना हो, ठीक है। वैसे ऐसा करते नहीं है अपन, भाई क्यों फालतू में अपन खाली फोकट जो है एडिशनल इंटीग्रेशन लिखेंगे, अपन तो केवल काम के लिखेंगे ना, तो केवल इंटरवल के बीच वाले लिखेंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लिखो सी डी मे और मे नॉट बी इन द इंटरवल, सी कॉमा डी मे और मे नॉट बी इन द इंटरवल, सी डी मे और मे नॉट बी इन द इंटरवल ए बी,